हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। नवरत्न अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, साथियों, दोस्तों, विद्यार्थियों, बहुत ही सुनहरा, बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार मौका पुलिस में भर्ती होने का। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व में कुछ भर्तियाँ निकाली थीं जिसमें काफ़ी बच्चों ने आवेदन किया था। अब पुनः उत्तर प्रदेश सरकार ने 52,216 भर्तियां निकाली हुई हैं। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त मौका है पुलिस में भर्ती होने का। आपको इसकी मैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देता हूं, परंतु सबसे पहले मेरा निवेदन आपसे यह है कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आगे भी बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाने वाले हैं जिससे आप अपने आप को अपडेट रख पाएंगे। बहुत सी जानकारियाँ हम यहाँ पर देने वाले हैं। विद्यार्थियों के लिए हमारा चैनल काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। हालाँकि हमारा चैनल नया है, लेकिन हमारा आपसे वादा है कि ये चैनल बहुत ही बड़ा होने वाला है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसलिए बाइकल बेल आइकन को जरूर दबाएं और काली घंटी को नीला अवश्य करें, क्योंकि नीला रंग करने से जीवन में खुशियां आती हैं, शुभ होता है। इसलिए काली घंटी को नीला करना ना भूलें और लाल रंग का जो सब्सक्रिप्शन बटन दिख रहा है उसको ज़रूर दबाइए। अब चलिए ले चलते हैं आपको इस कंप्लीट जानकारी देने। देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, 19 अक्टूबर 2018 को प्रेस रिलीज हुआ था और उसमें मेंशन है कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 1 नवंबर 2018 से और लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की 30 नवंबर, यानी पूरा का पूरा एक महीना आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। और एग्ज़ाम की जो डेट है वो है 4 से 5 जनवरी। एडमिट कार्ड 1 दिसंबर में आ जाएंगे। फीस की यदि बात करी जाए तो सभी कैटेगरी के लिए 400 रुपया फीस रखी गई है, कोई रिजर्वेशन नहीं है फीस में। यहाँ पे जनरल हो, एससी हो, एसटी, ओबीसी, सबको 400 रुपया यहाँ पे फीस जमा करना है। यहाँ पे कांस्टेबल सिविल पुलिस में टोटल 32,000 वैकेंसीज है। कांस्टेबल रिजर्व टेरिटोरियल आर्म्ड में 19,216 वैकेंसीज है। मेल कैंडिडेट्स का जो एज है वो 18 से 22 साल, फीमेल कैंडिडेट्स की जो एज है वो 18 से 25 साल, बिफोर 1 जुलाई। और क्वालिफिकेशन की यदि बात करी जाए, एलिजिबिलिटी यहाँ पे है मात्र 12th पास बच्चा, कोई भी कैंडिडेट जो 12th पास है किसी भी बोर्ड से, एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, ही मस्ट बी 12th पास, वेदर ही इज़ फ्रॉम CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, ICSE बोर्ड और एनी प्राइवेट बोर्ड, ही इज़ एलिजिबल टू अप्लाई इन दिस वैकेंसीज। थोड़ा सा शारीरिक मापदंड के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, हाइट जो है मेल कैंडिडेट जनरल ओबीसी एंड एससी कैटेगरी के लिए है वो है 168 सेंटीमीटर, मेल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए 152 सेंटीमीटर, फीमेल एसटी कैटेगरी है 147 सेंटीमीटर। चेस्ट की यदि बात करी जाए तो चेस्ट है 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फैलाव है। मेल शेड्यूल ट्राइब का चेस्ट है 77 से 82 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट्स का चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा। रनिंग की बात करी जाए तो भाई यहाँ पे 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा, जो कि मात्र 25 मिनट का समय है। काफ़ी ज़्यादा समय है, आध घंटे में कोई भी व्यक्ति आराम से 4.8 किलोमीटर दौड़ सकता है। 4.8 किलोमीटर का मतलब यह है कि आपको 400 मीटर के 12 राउंड लगाने पड़ेंगे। तो अभी से आप प्रयास कर लो, दूध, केला और चना खाना स्टार्ट कर दीजिए। गर्ल्स के लिए है 2.4 किलोमीटर इन 14 मिनट। साथियों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाएगा तो उनका भविष्य बन जाएगा। इसलिए वीडियो को शेयर करिए और काली बटन को लाल जरूर कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियोस को रेगुलर अपडेट्स देख सकें। थैंक यू।